गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी विल डिस्कस अबाउट पैटर्न इन होल नंबर। किस तरह से पैटर्न को हम यूज़ करते हैं, किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। हम एक्सरसाइज 2.3 आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके जो टोटल 5 क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। नीचे में से कौन सा नंबर है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो हम ऑप्शन ए को डिस्कस करते हैं, 0 × 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 × 0 आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, समझ में आ गया। बी ऑप्शन को अगर डिस्कस करते हैं तो 1 + 0, तो हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी में 0 का एडिशन अगर हम कोई भी नंबर में करेंगे, नंबर के साथ करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वो खुद नंबर, ठीक है। कोई भी अगर होल नंबर है उसका एडिशन हम 0 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नंबर खुद एज इट इज़ नंबर हमें वहाँ पे आंसर में मिलेगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ पे देखो 0 / 2, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर, हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यहाँ पे देखो 10 - 10, 0 / 2, तो बोथ आर इन्फिनिटी, समझ में आ गया। सो ये दो ऑप्शन क्या हो गए, 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1, तो 1 भी 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट 0, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, तो आंसर हमारा यहाँ पे देखो विल नॉट बोला है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे देखो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए 0 × 0 क्या कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। बी में 1, 0/2 इन्फिनिटी, 0/2 इन्फिनिटी, यहाँ पे 1, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, 0 × 0, 0 आंसर मिला है, इसलिए 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे देखो आंसर हमें 1 मिल रहा है, इन्फिनिटी, मतलब कि कोई नंबर मिलेगा, डन, ओके। फर्दर क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। चलो ये क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर, कोई भी 2 होल नंबर की प्रोडक्ट हमें क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, समझ में आ रहा है। कैन वी से दैट 1 और बोथ देम विल बी 0, हम ये सब बोल सकते हैं। सपोज हमारे पास आंसर 0 है, ठीक है, हमें पता है कि 2 होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो दोनों के दोनों नंबर या तो 0 होने चाहिए या तो उनमें से कोई एक 0 होना चाहिए, तो हम एग्जांपल के थ्रू क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा यस, इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी 0। अगर हम कोई भी नंबर को क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 0 से, 5 को मल्टीप्लाई करो 0 से, 9 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो तीनों के तीनों आंसर हमें क्या मिल रहे हैं, 0, क्योंकि हमें पता है कि 0 का मल्टीप्लिकेशन कोई भी नंबर के साथ करो तो आंसर 0 ही मिलेगा। इफ़ बोथ द नंबर आर 0, दोनों के दोनों नंबर 0 है, तो आंसर क्या मिलेगा, 0, डन, तो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, हमें क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो, इफ ओनली 1 नंबर इज 1, यहाँ पे देखो एक ही नंबर एक ऐसा है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करेंगे तो 1 आंसर मिलेगा, वरना हमें पता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, पता है ना। अच्छा चलो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, दोनों क्या है, होल नंबर है, तो आंसर क्या मिलेगा, 5। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 6। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8। यहाँ पे 2 होल नंबर में से अगर एक होल नंबर क्या है, 1 है, तो हमें आंसर जो बिगर नंबर होगा वही मिलेगा, ठीक है। इफ़ बोथ नंबर आर 1, दोनों के दोनों नंबर क्या है, 1 है, देन ओनली द प्रोडक्ट विल बी 1,
तब भी हमें क्या मिलेगा, वन आंसर मिलेगा। समझ में आ गया, दोनों के दोनों होल नंबर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, तभी हमें आंसर वन मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करना है, आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। समझ में आ गया, चलो क्वेश्चन ए लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर, उसमें ए 728 × 101 बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हर एक एग्जांपल पे मैं नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया है कि हर एक एग्जांपल को हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिखना है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया, चलो 728 × 101 तो पहले मैंने साइड में क्या किया है, 101 का स्प्लिटिंग किया है, मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। 100 + 1, 101 का मतलब क्या है, 100 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 101 मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो हम 101 की जगह पे क्या रखेंगे, 100 + 1। बाद में तो हमें पता ही है 728 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन यहाँ की जो साइन है यहाँ पे आ जाएंगी, 728 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एरो में दिखा देती हूँ, 728 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, देन 728 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पीछे क्या दो ज़ीरो लगा देंगे, वो हमें पता है, 728 का 1 से मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वो खुद नंबर ही आ जाएगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73,528, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चलो दूसरा देखते हैं, 5437 × 1001, यहाँ पे 101 था, यहाँ पे 1001 है, तो हम क्या करेंगे, 1000 + 1, चलो इसके बाद वाला स्टेप क्या आ जाएगा, 5437 को मल्टीप्लाई करो 1000 + 1 के साथ। समझ में आ गया, बाद में मैंने जो एरो दिखाए थे उसी तरह से इस नंबर को हम पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 5437 × 1000 + 5437 × 1, उसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 है तो मैं तो इस नंबर के पीछे 30 पुट कर दूंगी, प्लस 5437 एज इट इज़ क्यों नंबर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने किसके साथ किया है, इसका 1 के साथ किया है, अब दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, चलो 54,42,437। समझ में आ गया, डन। चलो फर्दर सी क्वेश्चन, 824 का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है 25 के साथ, 25 मीन्स 20 + 5, डन। चलो आगे क्या करेंगे, 824 को मल्टीप्लाई करो 20 के साथ, ठीक है, 824 को मल्टीप्लाई करो 20 के साथ, देन प्लस 825 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ। समझ में आ गया, चलो मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, चलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 824 का 20 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16,480 आंसर मिलेगा, देन 825 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे तो 4,120 आंसर मिलेगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो अब आपको आता होगा, ठीक है, तो आपको वो मल्टीप्लिकेशन खुद से करने हैं। चलो दोनों का एडिशन करते हैं तो कितना मिलेगा, 20,600। समझ में आ गया, डन। क्वेश्चन नंबर डी, चलो
डी वाला कौन सा है, तो 4275 × 125। अब देखो यहाँ पे 125 है तो 100 + 25 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो चलो ले लेते हैं 4275 × 100 + 25। डन, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो मल्टीप्लिकेशन 4275 × 100 + 4275 × 25। इसका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 427500। अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए आप पे, 1,06,875। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5,34,000, ठीक है, 5,34,375। कितना आंसर मिल गया, 5,34,375। क्वेश्चन नंबर ई, 504 × 35। देखो यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है, 504। बिगर नंबर कौन सा है, 504। जल्दी से हम फिनिश करते हैं तो 500 + 4 × 35। चलो 35 को पहले मल्टीप्लाई करो 500 के साथ एंड 35 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, आंसर क्या मिलना चाहिए हमें, 17500 + 140। एडिशन 17640। आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया पक्का? ओके, सो आई होप कि इसमें कोई क्वेश्चन डाउट क्रिएट नहीं होगा, हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हम इसके बाद एक पैटर्न हमें डिस्कस करनी है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्टडी द पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 में है। यहाँ पे देखो 1 × 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर, 9। ये यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ किया है एंड देन 1 ऐड किया है, तो आंसर क्या मिल रहा है, 9 आंसर मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो देन आफ्टर, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे 1 देखो, 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2, तो हम 1 और 2 मतलब 1s की प्लेस पे क्या 2 ऐड कर देंगे, मतलब कि 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, 1 था, उसके बाद वाला नंबर 12, उसका मल्टीप्लिकेशन 8, यहाँ पे 8 है वो रिमेनिंग रहना चाहिए सेम टू सेम, यहाँ पे सीक्वेंस में क्या है, 8 है वो रिमेनिंग मतलब सेम टू सेम रहना चाहिए। एडिशन में 1, 2, 3 1 by 1 क्या करेंगे, तो नेचुरल नंबर ऐड करते जाएंगे, समझ में आ रहा है? 1 के बाद क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि हमने 2 को 1 के बाद लगा दिया है। 12 × 8 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 9 के पहले क्या आ जाएगा, 8 आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 और 8, 9 से पहले क्या था, 8, मतलब कि यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 98 आंसर मिलेगा। अब अगर आपको इजीली अंडरस्टैंड करना है तो थर्ड वन देखते हैं स्टेप, 8 को रिमेनिंग रखना है, 2 के बाद कौन सा नंबर आ गया, 3, तो यहाँ पे भी हमें 12 के बाद 3 मतलब कि 123, 1 के बाद 2 लगाया, 2 के बाद 3 पुट किया है, 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, एडिशन में 3 रखना है और 987। देखो यहाँ पे पहले 9 था, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, वो आपको सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अब यहाँ 3 तक तो आ चुके हैं, तो 1, 2, 3 और 4 समझ में आ गया, 3 के बाद 4 नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन 8, क्योंकि 8 हमें रिमेनिंग रखना है सेम टू सेम रखना है, प्लस क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पे ऐड किया है 4 वो हम रखेंगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 9876, समझ में आ गया। इसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 मल्टीप्लाई बाई 8 + 5 9876 5, समझ में आ गया। यहाँ पे सारे नंबर क्या आ रहे हैं, देखो 1 by 1 डिक्रीजिंग नंबर आ रहे हैं, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब नेक्स्ट स्टेप में 4 आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, समझ में आ गया, 5 के बाद 6 आएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 8 + 6, आंसर क्या आ जाएगा, 9876 5 4।
इसके बाद वाला स्टेप क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इंटू 8 प्लस 6 नहीं क्या ऐड किया था 7, तो 7 रखना है हमें यहाँ पे 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4 एंड 3। नेक्स्ट वन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटू 8 8 प्लस 8 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। लास्ट वन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंटू 8 प्लस 9, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये पूरी क्या हो गई, हमारी पैटर्न हो गई। पैटर्न में क्या 8 रिमेनिंग रह रहे हैं, 8 से पहले जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है उसमें 1 by 1 हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कर रहे हैं, 1 से लेके इंक्रीज करो 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे एडिशन में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 1 by 1 वहाँ पे भी हम नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हैं, 1 में के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। आंसर में क्या हमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है, देखो 9 के बाद क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया पक्का, ओके। सो वी विल फिनिश, चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट वर्कबुक, टुमारो आई विल सेंड यू वर्कबुक PDF, ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो वी विल मीट टुमारो, थैंक यू।